तो भाई 2 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं शक्तिमान मूवी की अनाउंसमेंट को, और अभी तक हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि शक्तिमान मूवी बन भी रही है या नहीं। और अगर बन भी रही है तो इस मूवी में शक्तिमान का रोल कौन प्ले करेगा, और इस मूवी का डायरेक्टर कौन होगा, और क्या हम लोगों को इस मूवी में तामराज देखने को मिलेगा भी या नहीं। लेकिन अब हम लोगों को इस चीज के लिए और वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब बहुत सी चीजें शक्तिमान मूवी से रिलेटेड कन्फर्म हो चुकी है, जिसके बारे में मैं तुम लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अब सबसे पहले बात करते हैं शक्तिमान मूवी की कास्ट और उसके डायरेक्टर पर। तो अब ये कंफर्म हो चुका है कि शक्तिमान मूवी में रणवीर सिंह ही शक्तिमान का रोल प्ले करेंगे, और इस मूवी को डायरेक्ट करने वाले हैं बेसिल जोसफ, जिन्होंने इससे पहले मिन्नल मुरली जैसी मूवी डायरेक्ट की है। अब रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रणवीर सिंह इस मूवी की शूटिंग शुरुआत करेंगे 2025 में, क्योंकि इससे पहले वो सिंघम 3 और डॉन 3 की शूटिंग करेंगे, और जो डॉन 3 की शूटिंग है वो खत्म होगी मार्च 2025 में, और इसी के बाद मई 2025 से शक्तिमान की शूटिंग शुरू होगी। उसके साथ ही रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये भी बोला जा रहा है कि ये जो पूरी मूवी है इसकी स्क्रिप्ट पिछले 3 साल से लिखी जा रही है, और फाइनली इसके जो राइटर से उन लोगों ने एक स्क्रिप्ट क्रैक कर ली है। और बोला ये भी जा रहा है कि ये जो स्क्रिप्ट है ये बहुत ही ज्यादा वर्दी है, और ये स्क्रिप्ट शक्तिमान की लेगेसी के साथ बहुत अच्छे से जस्टिस करेगी। अब हम लोगों को ये तो पता था कि ये मूवी सोनी पिक्चर्स वाले बना रहे हैं, लेकिन अब इस मूवी को उनके साथ साजिद नाडियाडवाला भी प्रोड्यूस करेंगे, और बोला ये जा रहा है कि शक्तिमान मूवी के 3 पार्ट आएंगे और इसकी हर एक मूवी का बजट लगभग 200 से 300 करोड़ का होगा। लेकिन अब इन सब चीजों के बाद अब बात करते हैं इस मूवी के सबसे इंटरेस्टिंग चीज पर, जो कि है इस मूवी का विलन तामराज। अब ऐसी रूमर्स और स्पेकुलेशन है कि शक्तिमान मूवी में तामराज का जो रोल है वो प्ले करने वाले हैं टोविनो थॉमस। अब टोविनो थॉमस को हम लोगों ने ऑलरेडी एक बहुत ही बढ़िया सुपर हीरो मूवी में ऑलरेडी देखा है, जिसका नाम है मिन्नल मुरली। और जैसा मैंने वीडियो में पहले बताया कि मिन्नल मुरली मूवी को भी डायरेक्ट बेसिल जोसफ ने ही किया था, और अगर तुम लोगों ने मिन्नल मुरली देखी है तो तुम लोगों को पता होगा कि भाई वो कितनी ज्यादा बढ़िया मूवी थी। अब टोविनो थॉमस के तामराज प्ले करने की रूमर्स इसलिए निकल कर आ रही है क्योंकि पिछले साल सितंबर में एक इंस्टाग्राम लाइव सेशन में टोविनो थॉमस ने खुद हिंट दिया था रणवीर सिंह और बेसिल जोसफ के साथ उनके कोलैबोरेशन का। उस इंस्टाग्राम लाइव में टोविनो थॉमस अपनी मूवी 2018 की बात कर रहे थे, जो कि इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री थी, और इसी दौरान रणवीर सिंह टोविनो थॉमस के लाइव सेशन में आए थे, और इसी के बाद टोविनो थॉमस ने हिंट दिया था कि वो रणवीर सिंह और बेसिल जोसफ के साथ एक कोलैबोरेशन कर रहे हैं एक प्रोजेक्ट के लिए, और वो प्रोजेक्ट हम लोगों को जल्दी ही देखने को मिलेगा। तो इसीलिए ये रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि शक्तिमान मूवी में तामराज का कैरेक्टर टोविनो थॉमस ही प्ले करेंगे। तुम लोगों को इन सब चीजों के बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और शक्तिमान मूवी के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हो वो भी कमेंट में जरूर बताना। और उसके साथ ही वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर से करके जाना, और ऐसे ही और भी अपडेट्स और कॉन्टेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। उसके साथ ही चैनल पर मैंने डेडपूल 3 और गॉडजिला एक्स कॉन्ग के ट्रेलर 2 का बहुत ही डिटेल में ब्रेकडाउन किया है, तो उनको भी जरूर से चेकआउट करना। और तब तक के लिए देखते रहो सिंगुलैरिटी को।